प्रिमिटिव यूनिट सेल, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर्स लिख लो और होते क्या है ये भी समझ लो। प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा बीसीसी, उसका क्या होता है 8। एफसीसी यानी कि दोनों एचसीपी और सीसीपी, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स याद रखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आए कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर आए हैं कि एक एटम के नेबर कितने हैं, एक एटम के क्लोजेस्ट नेबर कितने हैं। तो अगर तुम एक बॉडी सेंटर वाले को सोचो, बॉडी सेंटर वाला जो होता है बॉडी के सेंटर पे होता है, तो उसके एग्जैक्ट सबसे पास कौन कौन से एटम है, सारे कॉर्नर के उसके पास है, सारे के सारे पास है उसके, तो 8 के 8 पास है। तो उस बॉडी सेंटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 8। तो अब तुम प्रिमिटिव वाले को सोचो, प्रिमिटिव वाला है एक कोने पे, प्रिमिटिव वाला एटम एक कोने पे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसके इमीडिएट नेबर कौन है जो इससे बिल्कुल टच होते हैं। तो एक नेबर तो हो गया ये, एक नेबर ये, नहीं ये हुआ नहीं हुआ, ठीक है ये हुआ, ठीक है एक इस साइड पे आएगा आगे जाके, ठीक है एक ऊपर होगा इसका बिल्कुल क्लोजेस्ट नेबर बोल रहे हैं हम, दूर नहीं होना चाहिए, और एक इसके नीचे होगा और एक इसके इस साइड पे होगा, तुम समझो बात को। तो एक कॉर्नर वाला जो है वो कितनों के साथ डायरेक्ट टच में होगा, एक कॉर्नर वाला बिल्कुल ऊपर वाले के साथ टच में होगा, और एक उसके लेफ्ट एक राइट एक आगे एक पीछे, है ना। तो ऐसे समझ लो एक चार तो उसी की लेवल पे होंगे और एक ऊपर और एक नीचे होगा, ठीक है। कहाँ से आ रहे हो, नीचे भेज देंगे। अच्छा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इसके अंदर होता है बीसीसी में कितना होता है 8, तो सॉरी प्रिमिटिव का हो गया 6, ठीक है, और बीसीसी का 8। अब मैंने 6 और 8 तो तुम्हें दिमाग में पिक्चर बना दी, पर 12 की मैं पिक्चर नहीं बना पाऊंगा, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो एफसीसी होता है यानी कि एचसीपी और सीसीपी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा और मुश्किल है सोचना, वो हम दिमाग में अभी नहीं बना पाएंगे, पर दो तुम्हारे दिमाग में आ गए तो एक तीसरा भी आ जाएगा अगर तुम सोचोगे तो, ठीक है या फिर याद करोगे। नेक्स्ट।